नमस्कार, हम इस समय मौजूद है घोसी में। घोसी उपचुनाव की तारीखें जब जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे वैसे नेता भी घोसी पहुंचना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर भी पहुंचे हैं घोसी, और आइए इनसे जानते हैं कि घोसी जो उपचुनाव हो रहा है ये किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले तो घोसी में और मऊ तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, प्रदेश के तमाम नेता मंत्री का आना जाना हो गया है, बाबूलाल राजभर भी आज मौजूद हैं घोसी में, तो किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को आप? देखिए, जब जब मऊ वासियों का या घोसी विधानसभा वासियों पर जब जब लोग कन्फ्यूज होते हैं, जब जब उन पर आफत विपत आती है, तो आपने देखा होगा बहुत पहले से कि बाबूलाल राजभर 100 किलोमीटर दूर बलिया से यहाँ आने का काम करते हैं। आज राजभर बिरादरी कन्फ्यूज है हमारे यहाँ इस घोसी विधानसभा की, कि हम मत करें तो किसको करें, इसलिए कि जो भी यहाँ पे राजभर नेता जो राजभर वोटों का जो सौदा करके सौदागर बन के घूम रहे हैं, वह जनता उनसे राजभर समाज के लोग पूछ रहे हैं कि जब हमारे ऊपर आफत विपत आती है तो उस समय आप कहाँ रहते हैं। चुनाव आता है तो देख रहे हैं कि प्रतिदिन एक नेता घूमता है। आप तो साक्ष्य हैं, अभी 20 जून 2020 को यही पिंटू राजभर हत्याकांड हुआ था। आप हर चीज़ के साक्ष्य हैं, आप गवाह हैं, आप हर कार्यक्रम उस पर अपने चैनल पे चलाए हैं। कितने राजभर उसके घर गए हैं आज तक, कितने उसके राजभर घर हैं उसके यहाँ पुछार करने गए हैं। अभी आपके बगल में लेटेस्ट जो ये मझवारा, वहाँ धर्मेंद्र राजभर का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसके डेड बॉडी को रख करके रोड पर चक्का जाम किया था, कितने लोगों के ऊपर FIR हुआ था, उस FIR में आपका भी नाम था। कौन लोग गए थे? ये जो वोट का सौदागर बन के घूम रहे हैं कि राजभर समाज हमारे साथ है, हमारे साथ है, कितने लोग गए हैं? तो आज राजभर समाज ने याद किया। देखिए, मैं आना नहीं चाहता क्योंकि इस चुनाव से हमारा कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो भी राजभर मतदाता हैं, जो भी राजभर हमारे समर्थक हैं, पार्टी के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, उनके विशेष आग्रह पर हमने कहा कि भाई आपकी इच्छा जहां मन करे वहां चुनाव करें, लेकिन कहा कि नहीं, आप हर सुख दुख में खड़ा होते हैं, बगैर आपसे पूछे जाचे हम लोग मतदान कैसे करेंगे। जब भी होता है, जब भी हम लोगों के ऊपर आफत विपत आती है, आप 100 किलोमीटर दूर से दौड़ के आते हैं, तो इसी क्रम में आज आना शुरू हुआ है। आज जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक फिर यहाँ विधानसभा घोसी विधानसभा प्रकाश राजभर भी यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, अरविंद राजभर उनके बेटे हैं वो भी डेरा डाले हुए हैं, अरुण राजभर भी चुनाव में आ गए हैं, महेंद्र राजभर एक तरफ घूम रहे हैं, तो क्या देखा जा रहा है कि राजभर वोटर किधर जा रहे हैं? आपने भी आज क्षेत्र में रहे हैं, तो देखिए आज हमारी महिला टीम आज क्षेत्रों में दौड़ा कर रही है। आज हम खुद 8 गाँवों का दौड़ा करके आए हैं और फिर इधर से करते हुए फिर इस साइड में निकल जाएंगे। हम जितने नेताओं का आप नाम रखे हैं उनसे पूछिए कि जब यहाँ पर राजभर नौजवानों का मर्डर होता है, यह राजभर बेटियों का अपहरण होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? उनके दरवाजे तक कभी गए हैं? सहित पूरे मऊ जनपद के राजभर बिरादरी विशेष रूप से इन नेताओं को पहचान रही है कि ये नेता कैसे हैं, हमारे साथ हमारे सुख में दुख में कौन लड़ने के लिए आया है। यही धर्मेंद्र के यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था, हमने उनसे बात किया कि भाई वहाँ के नेता है उनसे भी बात उत कर लीजिए, तो कहे कि यही धर्मेंद्र स्वाभिमान पार्टी के नेता तेल का पैसा मांग रहे थे, ये उनका राष्ट्रीय महासचिव जो आपके बगल में है वो तेल का पैसा मांग रहे थे कि हमारे गाड़ी में तेल नहीं है, तेल पैसा भेजिए तब हम जाएं। तो ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, इन सबों के पास कुछ है नहीं अभी। तो आपको नहीं लगता कि राजभर समाज के इतने बड़े नेता मानते हैं और हैं भी, राजभर समाज उनके आगे पीछे तो रहता ही है ओम प्रकाश राजभर के? मैं बता रहा हूँ उसका, देखिए हम ऐसे नहीं कहते, हम प्रमाण देकर कहते हैं। इसके पहले विजय राजभर जी जो विधायक बने थे उपचुनाव हुआ था ना, ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़े थे ना उसमें अकेले, नीबू लाल निषाद उसका प्रत्याशी था, कितना मत पाया था, वो तो उनके पार्टी से था, मात्र 8000 समथिंग वोट पाए थे। तो प्रकाश राजभर के पास कितना वोट है? देखिए नेताओं की ताकत रैली से और भीड़ से नहीं होती है, नेताओं की ताकत वोट से होती है। हम कितने ताकतवर हैं, यही घोसी विधानसभा, घोसी ये अमीला में चले जाइए,
जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, सभासद का चुनाव हुआ था, वार्ड नंबर 15 में चले जाइए, यही ओम प्रकाश राजभर, ये स्वाभिमान पार्टी, तमाम इन पार्टियों को वहाँ प्रत्याशी नहीं मिला है, वहाँ प्रत्याशी नहीं मिला था। जो परिवार राजनीति से छुआछूत नहीं था उसको मैंने खड़ा करके 270 मतों से जिताने का काम किया। अब तस्वीरें अभी निकल के आ रही हैं, बड़े बड़े बयान वीर भी आ गए हैं मैदान में, कोई राजभर समाज के नेताओं को चिरकुट, चिलगोजर, तो कोई कह रहा है अरे पियक्करी है सब, तो इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चुनाव में ये सब बयानबाजी करके? देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये अज्ञानी लोग हैं जो भी पार्टियाँ बनाए हैं, और ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव, भारतीय सुहेल देव पार्टी, तो समझिए कि अज्ञानियों का फौज है। अभी देखिए, यही बात मैं कहता था, यदि ये आज जो मैं देख रहा हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि वो कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद से इन सबों को 3 लोग मिल करके गाड़ी में लाते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी दारू पीते हैं, ये सही, सब चीज़ सही है। अच्छा, ओम प्रकाश के बारे में, उनके जो 18 साल से उनके साथ रहा है उनसे ज़्यादा हम जानते हैं कि आप जानते हैं? महेंद्र के बारे में, उनके पार्टी के लोगों के बारे में ओम प्रकाश नहीं जानेंगे तो हम जानेंगे? ये अब धीरे धीरे पोल खुल रहा है, समझ रहे हैं ना दोनों का। मैं यही बात मैं पहले कहता था कि ये अनपढ़ों की पार्टी है, गंवारों की पार्टी है, पियकड़ों की पार्टी है, तो हमें गालियाँ मिलती थी और वही लोग अब काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ की आज देखिए, मैं एक चीज़ में बहुत राज की बात बता रहा हूँ, राजनीति में जो दिखता है वो सही नहीं होता है। ओम प्रकाश राजभर जी, भले ही बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए ओम प्रकाश को टेंडर दिया हो, लेकिन दिल से ओम प्रकाश राजभर जी दारा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये दारा के लिए काम करते तो उनसे प्रत्याशी कोई, जनता पूछ रही है कि ये बताइए, या आपके माध्यम से पूछा जाता है कि ये बताइए दारा सिंह अब तक काम क्या किए हैं, क्यों वोट लोग देंगे, तो उनका ही वक्तव्य है। दारा सिंह तो कहते हैं कि बहुत मैंने काम किया, उनका ही वक्तव्य है कि दारा सिंह काम नहीं किए हैं। हाँ, वो चिढ़ गए थे पत्रकार के सवाल पे। चिढ़े नहीं थे, जो सही कह रहे थे दारा सिंह वो नहीं कर रहे थे। अब देखिए, हर बिरादरी हर पार्टियों के पास है, यादव बिरादरी, राजभर बिरादरी, सभी बिरादरी सभी पार्टियों के साथ है। अब बताइए, दारा सिंह को क्या यादवों का वोट नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। क्या भाजपा में दारा यादव वोटर नहीं है? मिल, ये बताइए। आप आकर के यादव को कहते हैं कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है, 3-4 दिन से ऐसे ऐसे उलझुल बयान दे रहे हैं समाज में जाकर, जबकि उनको अपने समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने समाज के हक और अधिकार की बात करनी चाहिए, मगर पिछले 2 दिन से वो कैंपेन कर रहे हैं बाप बेटा, और बस एक ही चीजें बोल रहे हैं कि डाल रहे हैं तो अड़स रहा है, बभा रहा है तो छरछरा रहा है। तो इन चीजों को अगर इस बयान से क्या लगता है कि राजभर समाज की बहुत तरक्की हो जाएगी या इससे वो राजभर समाज के बहुत बड़े नेता बन जाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि राजभर समाज का नेता ये कतई नहीं हो सकते। राजभर समाज का नेता अपने समाज का, या किसी भी समाज का नेता अपने समाज का अपमान नहीं करते हैं। आज राजभर समाज अपमानित अन्य पार्टियों से, अन्य नेताओं से नहीं हो रहा है, ये अपमानित करने वाले सबसे ज़्यादा यही लोग हैं। ये राजभर समाज के विकास में ये कैंसर हैं, ये कतई विकास नहीं ना कर सकते हैं ना होने देंगे। बस इनको अपने परिवार से मतलब, अब देखिए उनके जो चेले चपाटी हैं वो कहते हैं कि, अब उनका बयान आप सुनेंगे कभी भी आप ले लीजिएगा, महेंद्र राजभर वगैरह जो भी लोग हैं आप, क्यों 18 सीट में एक भी राजभर टिकट? अरे भैया, ये कौन सा मुद्दा है आपको? इसका मतलब कि आपको टिकट मिल गया होता तो आप अलग नहीं हुए होते, शांत रहे होते, शांत रहे होते। आज यदि आपको समाज के लिए लड़ना था, समाज के लिए, समाज के नाम पर उनसे अलग होना था, तो जिस दिन पिंटू राजभर का हत्या हुई और 2 महीने तक उस परिवार ये अपना एप्लीकेशन लेके घूमता रहा, उस दिन आपको पार्टी छोड़ करके पिंटू राजभर के न्याय के लिए चट्टी चौराहे पर रोड पर बैठकर आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए था। हमको आने की वहाँ से क्या जरूरत है? इतने बहुत बड़े नेता तो मैं हूँ नहीं। तो यही तमाम चीज़ें हैं, ये राजभर समाज के नाम पर दुकान चलाते हैं, कोई सप्पा से पैसा लेकर के देख रहे हैं, नया नया कुर्ता भी देख रहे हैं, जो नया कुर्ता नहीं पहना इस समय नया कुर्ता पहन के घूम रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर जी, ये भाजपा का भ्रम है कि दारा सिंह को जिताने के लिए आए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी दारा सिंह को हराने के लिए आए हैं। ये हराने के दम एक, अभी विधानसभा में सत्र चल रहा था, माननीय अखिलेश जी ने क्या कहा था, कह रहे राजभर जी समय पर आ जाइएगा। दूसरी चीज़ की ओम प्रकाश जी का बयान आप सुनेंगे तो भाजपा को मिट्टी में मिला देंगे, भाजपा का नेस्ता नाबूद कर देंगे, बैंड बजा देंगे, यही सीट निकल जाएगा ना,
जिस दिन सपा का सीट निकलेंगे तो आप, मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ, आप हमसे पूछिएगा उस दिन राज ओम प्रकाश जी कहेंगे कि हम तो सपे के जितवावे खाती आई रनी है, भाजपा के ऊपर जुमला। हाँ, अक्सर बोलते रहते हैं कि हाँ, दो मुंह साफ होते हैं नेता। बस 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 यही, ओम प्रकाश जी सपा के साथ काम कर रहे हैं, ये बीजेपी वालों को भ्रम है, भ्रम 8 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो ये थे सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर जी, और इन्होंने इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को कहा है कि ये खुद सपा के लिए काम कर रहे हैं और जो भ्रम बीजेपी पाल रखी है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, ये 8 तारीख को टूट जाएगा। अब देखना है कि ओम प्रकाश राजभर एक तरफ लगे हुए हैं यादव समाज को गरियाने में और दारा चौहान को जिताने में, तो ये कितना प्रभाव छोड़ते हैं। अब बने रहिए, आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।